हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। अगर आप एक नए यूट्यूबर बनना चाहते हैं तो दोस्तों आपके लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि एक नए यूट्यूब चैनल में बैनर कैसे बना सकते हैं। साथ ही दोस्तों वो जो बैनर है बहुत ही प्रो लेवल का होना चाहिए और साथ ही बहुत ही अट्रैक्टिव होना चाहिए, क्योंकि दोस्तों अगला व्यक्ति आपका जो चैनल ओपन करता है तो उसमें सर्वप्रथम आपका बैनर ही दिखाई देता है और आपका आइकॉन ही दिखाई देता है, जो कि दोस्तों दोनों ही चीजें बहुत ही अट्रैक्टिव होनी चाहिए। आइकॉन की दोस्तों हमने वीडियोज बनाई हुई है, बहुत ही लेवल की वीडियोस बनाई हुई है, वहां पर आप उसे वॉच कर सकते हैं। दोस्तों हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि एक प्रो लेवल का हम बैनर कैसे बना सकते हैं दोस्तों, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए दोस्तों हम इस वीडियो में थोड़ी सी जानकारी आपको और दे देते हैं। देखिए दोस्तों, आप YouTube वीडियो देख रहे हैं, ये वीडियो एक वेब सीरीज के थ्रू चल रही है जिसका नाम है दोस्तों यूट्यूब का फुल कोर्स ए टू जेड। अगर दोस्तों आप इस कोर्स से नहीं जुड़े तो दोस्तों आपको इस कोर्स से जुड़ने के लिए आपको सिर्फ इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और बेल आइकन दबा देना है, जिससे दोस्तों आप इस कोर्स से जुड़ पाएंगे। अगर दोस्तों आपने इसके निचले वीडियो को नहीं देखा दोस्तों, आप उस वीडियो को जरूर वॉच करेगा, जिससे दोस्तों आपको प्रो यूट्यूबर बनने में बहुत ही ज्यादा मदद मिलने वाली है। चलिए दोस्तों हम इस वीडियो के मेन टॉपिक पर आ जाते हैं और बात कर लेते हैं कि हम एक यूट्यूब चैनल का बैनर कैसे बना सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं कि एक प्रोफेशनल लेवल का यूट्यूब बैनर कैसे बना सकते हैं। और दोस्तों प्रोफेशनल लेवल का यूट्यूब बैनर बनाने के लिए हमें थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा, जो कि दोस्तों हमारे यूट्यूब बैनर बनाने के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी हो सकता है। अगर दोस्तों हम लटर पटर काम करेंगे तो हमारे दोस्तों उसकी गड़बड़ी हमारे बैनर पर साक्षात देखेगी, जिससे कि दोस्तों हमारा जो चैनल है ग्रोथ नहीं होगा। इसलिए दोस्तों थोड़ा सा टाइम दे दीजिएगा। सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, आपको दोस्तों जो कि चैनल पर बैनर में दोस्तों आपको जो भी फोटोज लगाना है उसको दोस्तों अगर सर्कल के आकार का लगाना है तो दोस्तों आपको सर्कल के आकार का बनाना होगा। सर्कल के आकार का बनाने के लिए दोस्तों आपको कोई भी ऐप्स डाउनलोड करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। दोस्तों आपको क्रोम ब्राउजर पर आ जाना है। क्रोम ब्राउजर पर आने के बाद दोस्तों आपको सबसे पहले वहां पर लिखना है सर्कल कट फोटोज। आपको दोस्तों इतना सर्च कर देना है, जिसमें दोस्तों कई सारी वेबसाइट आ जाती है, किसी में भी आप चले जाइए। वहां पर जाने के बाद दोस्तों अपनी फोटोज ऐड करिए और दोस्तों वहां पर सर्कल के की जो फोटोस आपने बना ली है उसको वहां पर सेव कर लीजिए। सेव करने के बाद दोस्तों वहां पर किनारे रख दीजिए। सेव करने के बाद दोस्तों आपको पिक्सल लैब पर आ जाना है। पिक्सल लैब अगर दोस्तों आपने डाउनलोड नहीं किया तो दोस्तों प्ले स्टोर पर जाइए और उसे डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद दोस्तों कुछ इस प्रकार का इंटरफेस यहां पर दिखाई देगा, जिसमें दोस्तों आपको YouTube बैनर का जो साइज होता है उसे ओपन कर लेना है। इतना का सब कुछ करने के बाद दोस्तों हमारे जो ऑफिशियल जो होता है YouTube बैनर का, जो हमारा रिकमेंड करता है जो YouTube, उसको हमें डाउनलोड कर लेना होगा और दोस्तों यहाँ पर सेव कर देना होगा। सेव करने के बाद दोस्तों यहाँ पर धीरे धीरे हमें समझते जाना है। ठीक है दोस्तों, इसे करने के बाद दोस्तों इसका पूरा ही साइज हमें इस फोटोज पर ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद दोस्तों हमारा जो दूसरा काम आता है, हमारी जो बैकग्राउंड पर जो भी हम वॉलपेपर लगाना चाहते हैं दोस्तों, हम उस फोटोज को लगा सकते हैं, जो कि दोस्तों आपको क्रोम ब्राउजर पर बहुत ही ज्यादा वॉलपेपर मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, हम यहाँ पर एक एक लाइन करके लगाते जाएंगे। अगर दोस्तों मैं ऐसा सब कुछ आपको बताने को बैठूंगा तो दोस्तों आपका भी दिमाग खराब हो जाएगा और दोस्तों आपका भी मन नहीं लगेगा, इसलिए दोस्तों मैं इसको मैं आपको मेन स्क्रीन पर लगा देता हूँ और दोस्तों यहाँ पर आप पूरा ही सीखिए।
प्रकार से आप YouTube बैनर को बना सकते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल लेवल का दिख रहा है। प्रोफेशनल लेवल का होने के कारण दोस्तों आपकी जो चैनल की ग्रोथ है बहुत ही ज्यादा ऊंचाई लेवल तक ले जाती है। अगर दोस्तों आप प्रोफेशनल लेवल का नहीं बनाते हैं, आप अपने बैनर में बहुत ही ज्यादा खिचड़ी पका देते हैं। खिचड़ी किस प्रकार से बनती है? आप अपने बैनर में बहुत ही ज्यादा लिख देते हैं, साथ ही दोस्तों आप अन्य अन्य प्रकार के वॉल पेपर यूज कर देते हैं, बहुत ही ज्यादा सिंपल यूज कर देते हैं, जिससे कि दोस्तों आपको अगला व्यक्ति समझ ही नहीं पाता है कि ये बैनर पर बोलना क्या चाह रहा है भैया। इसलिए दोस्तों आप अपने बैनर में बहुत ही ज्यादा यूज मत करिए लिखने का काम। दोस्तों जितना समझाना चाहते हैं उतना यूज कर लीजिए, जितना मैंने यूज किया है अगला व्यक्ति समझ जाएगा कि आपका ये चैनल है, आप बोलना क्या चाहते हैं। इंस्टाग्राम की जो प्रोफाइल होगी, ट्विटर की प्रोफाइल होगी, उसको बैनर पर मत दीजिए, उसे आप अपने लिंक पर दे सकते हैं, आप अपने डिस्क्रिप्शन में दे सकते हैं, जो कि दोस्तों अन्य लोग अगर फॉलो करना चाहते हैं वहां पर फॉलो कर सकते हैं देखकर। ठीक है, तो दोस्तों आप कुछ इस प्रकार से देख सकते हैं। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में सीखा है प्रोफेशनल लेवल के यूट्यूब बैनर हम कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, और वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा। चलिए हम मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक लिए जय हिंद जय भारत।